हे आर डी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आर फिजिक्स क्लास। और अपनी फिजिक्स की क्लास में हमारा क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि कहीं पर अगर सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो उसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी यूज़ करनी पड़ेगी या फिर कितनी एनर्जी हमें मिलेगी। तो बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। कैसे, देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, मैं इसको बता रहा हूँ रुक पे यहाँ पे, अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं किसी पॉइंट तक, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी चार्ज है। तो इसके अगेंस्ट हम यहाँ पे इसको लेके आते हैं, तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। वागनर जो कह रहा था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहलाता है वो? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला चार्ज यहाँ पर नहीं होता, हमने ये मान लिया कोई रेफरेंस के लिए हमारे पास दो दो पॉइंट हैं। पहले हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए किसी एक पॉइंट तक, यहाँ पे Q1 तक, Q1 चार्ज को लेके आए किसी ओरिजिन पॉइंट, मतलब रेफरेंस पॉइंट के लिए जहाँ पे P है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आपकी? ये R1P है। तो यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, तो यहाँ तक लाने में आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वो होगा ज़ीरो। लेकिन जब चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो वो एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा अपने आसपास में। क्या क्रिएट करेगा? एक पोटेंशियल, यानी जिसकी वैल्यू आएगी V=1/4πε₀Q₁R₁P, जहाँ पर 1P क्या है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है बच्चों। बस में कि मैं बताने का चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब हम किसी चार्ज को बहुत दूर से लेके आ रहे होंगे, तो वहाँ पे क्योंकि कोई चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कुछ भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। मतलब वर्क डन जो होगा ज़ीरो होगा, किसी हमें किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल तो क्रिएट करेगा अपने स्पेस में आसपास में वो, तो वो पोटेंशियल आपका कितना होगा? ये वाला होगा, वी हो गया। लेकिन जो दूसरा वाला चार्ज आएगा, उसके लिए अगर मैं उसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ Q2 को, अब मुझे इसके अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, वही वर्क जो होगा इसके अंदर स्टोर रहता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे, मैंने जैसे आपको V1 की वैल्यू निकाल दी ऑलरेडी, तो V1 की वैल्यू क्या थी आपकी? 1/4πε₀Q₁R₁P। अगर मैं वर्क डन निकालूँ तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? वर्क डन ऑन Q2। Q2 पर मुझे कितना काम करना पड़ा? 1/4πε₀Q₁Q₂R₁Q। क्यों? इन दोनों के बीच का गैप R₁Q, ठीक है। क्या करना पड़ रहा है, एक बार फिर से समझ लो कि किसी भी एक चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लाता हूँ किसी पॉइंट तक, कोई चार्ज नहीं है तो कुछ वर्क करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस चार्ज की वजह से दूसरे किसी चार्ज को लाने पे मुझे कुछ काम करना पड़ता है। वो काम कितना होता है बच्चों? ये वाला होता है। बस में आगे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया, यानी कि इस तरह के सेटअप को बनाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो ये वाला, और यही वर्क डन जो होगा उस सेटअप में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए बच्चों? किसके लिए आ गया? ये आपका के, अगर आपके पास में एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, ये आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फटाफट से, अगर मैंने, अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ ये लिख के दिखा देता हूँ कि आपका एनर्जी कितनी है। यानी कि मैंने तो बताया कि किसी भी सिस्टम को Q1 चार्ज है या Q2 चार्ज है, तो इसके लिए मेरे पास जो पोटेंशियल होगा V1, वो आ जाएगा आपका 1/4πε₀Q₁R₁P, जहाँ पे 1P क्या, कोई एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके लिए हमने इसका पोटेंशियल मान लिया कि वहाँ पे इसका पोटेंशियल इतना होगा, ठीक है। लेकिन जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन चार्ज Q2, वो जाएगा V1 × Q2। अब 1/4πε₀Q₁Q₂, और इस बार आपका यह आएगा R₁Q, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है बच्चों। देखो ये बात सुनने में आपको बड़ी इजी लग रही होगी, सर ने क्या बोल दिया, बस यहाँ पे दो फॉर्मूले लिख दिखा दिए और अब ये टॉपिक को पूरा कर लिया। लेकिन ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो हमने वर्क किया है किसी एक चार्ज के होने की वजह से दूसरे चार्ज पर हमें कुछ काम करना पड़ा उसके पोटेंशियल की वजह से। अगर मान लो कि हमें एक ट्राइंगल जैसा, मान लो कि भाई अगर मेरे पास तीन चार्ज हों, तो मुझे उन तीन चार्जों को असेंबल करना है किसी एक पॉइंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि अगर आपके पास में Q1, Q2 और Q3 चार्ज हैं, वो मुझे असेंबल करने हैं,
needs to assemble on a triangle. तो कैसे करेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो वाला पहला वाला पॉइंट था सिंपल था, आपने बस वैल्यू पुट कर दी तो आपका काम चल गया। लेकिन अभी आप देख लो, अगर आपके पास तीन चार्ज हैं, पहला मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये तीन चार्ज हो इस तरीके से, ठीक है, ये आपका Q3 है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, दोनों के बीच का गैप R13 हो गया, 12 हो गया और 23 हो गया। बच्चों सबसे पहले इसको इसी कंडीशन को इमेजिन करो, पीछे वाली को, ये वाली कंडीशन, कि जब कोई चार्ज नहीं था तो इस पर काम कितना हुआ था, ये वाला, ठीक है। तो आप ये मान लो कि जब हम इसको लेके आए होंगे तो हमें कुछ वर्क नहीं करना पड़ा होगा, तो वहाँ पर वर्क डन कितना था, जीरो था, लेकिन पोटेंशियल था V1 1/4πε0Q1/R1P। ध्यान रखना R1P क्या आपका एक रेफरेंस पॉइंट था, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब मैं Q2 को लेके आ गया, Q3 उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, Q2 आ गया, तो अब Q2 पे लगने वाला वर्क कितना आ गया था, ये वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया था W1, तो वर्क डन ऑन Q2 वो आ गया था आपका V1 × Q2। अब Q2 के लिए आपका क्या वाला फॉर्मूला बन गया, 1/4πε0Q1Q2/R12। यहाँ तो बात बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अब आती है मेन प्रॉब्लम जो आपकी स्टार्ट होती है, वो होती है अगर ये आ गया तो इसके अगेंस्ट भी काम करेगा, इसके अगेंस्ट भी काम करेगा, तो अब हमारे पास में वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है, इस Q1 Q2 की वजह से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी पोटेंशियल जो Q1 और Q2 बनाएंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, हमने कोई रेफरेंस पॉइंट पी मान रखा होगा, एट पॉइंट पी ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो उसका नाम दे देगा V12, नाम दे दिया ना, क्या नाम देते हैं V12, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0Q1/R1P + Q2/R2P, ठीक है। अब अगर हम थर्ड को लेकर आ रहे हैं तो इन दोनों पोटेंशियल्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वर्क डन नेक्स्ट इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर हम इन्फिनिटी से उसको ले जा रहे हैं टू द पॉइंट R3 तक, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, Q3 टाइम्स बन जाएगा इसके पोटेंशियल के V12 एट R3, यानी कि क्या बन गया आपका बच्चों, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं कि Q3 × V12, और यहाँ पे क्या आई है R3 के लिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0Q1Q3/R13। और बच्चों क्या बन जाएगा, Q2 Q3 और R2 3, तो ये तो होगा इसको असेंबल करने में, ये वाला उसको असेंबल करने में, तो टोटल एनर्जी कितनी जाएगी हमारी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी बच्चों, हम तीनों को सब जोड़ देंगे तो हमारे पास में कितना जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, तो ये जो हो जाएगा हमारा जो पहला वर्क डन था वो वाला वर्क डन और प्लस ये वाला वर्क डन W2 दोनों हमने जोड़ दिए, तो 1/4πε0Q1Q2/R12 Q1 Q3/R13 और Q2 Q3/R23, ये आपका आ गया वर्क डन, यही उसके अंदर स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। देखने में आपको लग रहा है कि बड़ा सा सिंपल सा ही डेरिवेशन है, लेकिन ये दिमाग के घोड़े खोलने वाला डेरिवेशन है आपका, आपने इसको दिमाग से कर लिया तो आपके 3 नंबर पक्के हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो क्योंकि ये जो फोर्स है आपका कंजर्वेटिव नेचर का होगा, कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होगा पाथ इंडिपेंडेंट, है ना, तो
वर्क डन जो होगा ये हमारे से डिपेंड करेगा फाइनल एक्सप्रेशन पे और इनिशियल एक्सप्रेशन, मतलब कहाँ से कहाँ तक हम लेके आए हैं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा हमने किस पाथ को फॉलो किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, यानी ये इस पे चीज़ पे नहीं डिपेंड करते कि हमने कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से ले गए, इंडिपेंडेंट ये डिपेंड करते हैं इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, इनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों इनको, आपका कंजर्वेटिव फोर्स। आई एम श्योर बच्चों ये तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत तसल्ली से और बहुत आराम से आपको एक पॉइंट यहाँ पे लेके समझाया हुआ है। बेसिकली अगर मैं इसको फिर से बताने की कोशिश करूँ तो मैंने क्या था आपको कि किसी भी चार्ज को, एक सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में हमें कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन दूसरा चार्ज हम लेके आएंगे तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है इसके अगेंस्ट, वही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन अगर ट्राइंगल होगा तो इसके खिलाफ भी काम करना पड़ेगा, इसके खिलाफ भी काम करना पड़ेगा, और ये दोनों के खिलाफ। अब बिल्कुल ऐसे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि अगर आपके पास में एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर आपके चार्जेज हैं, प्लस क्यू है यहाँ पे, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस का क्यू है, यहाँ पे माइनस का क्यू, मान लो ये एग्जाम्पल ले लो आप। अब हमें इन चारों चार्जेस को यहाँ पे असेंबल करने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करनी पड़ी, तो वो बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि जब हम ये तीनों नहीं होंगे सिर्फ इसको लेके आएंगे तो कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, जब ये आ गया तो इसके खिलाफ वर्क करना पड़ा, जब ये दोनों आ गए तो इसके लिए इन दोनों पे वर्क करना पड़ा, जब ये आ गया तो ये वाला भी ये तीनों पे वर्क करना पड़ा, और टोटल एनर्जी को हमने सम कर दिया तो इससे हमारी टोटल एनर्जी आ गई। और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत एक अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं इसको आपको समझाऊँ। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। ठीक है, कोरोना का टाइम है, अपना एंजॉय करते रहो और पढ़ाई में मस्ती से पढ़ाई में आगे बढ़ते रहो। ओके बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे एंड बाय फॉर नाउ।